हेलो गाइस, व्हाट्सएप ने जब से अपनी नई प्राइवेसी एंड पॉलिसी लॉन्च करी है कि वो लोगों के पर्सनल डेटा को अपने बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ करने वाले हैं, तब से लोग व्हाट्सएप के अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं। लोग व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल करना चाह रहे हैं और ऐसे में बहुत सारे एप्लीकेशंस काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं जिनका कि लोग व्हाट्सएप की जगह पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यार, व्हाट्सएप के अल्टरनेटिव्स के लिस्ट में टॉप पे आ रहा है आजकल सिग्नल ऐप। जी हाँ गाइस, सिग्नल ऐप बिल्कुल व्हाट्सएप की तरह सिमिलर मैसेजिंग ऐप है जिसके थ्रू आप वो सारे काम कर पाओगे जो कि व्हाट्सएप पर होते थे। सर, इस वीडियो में मैं आपको पूरा ट्यूटोरियल देने वाला हूँ सिग्नल ऐप का, कैसे आपको इसमें अकाउंट बनाना है, कैसे सारी चीज़ें हैं और क्या क्या इसके फीचर्स हैं। तो यार चलो, टाइम को वेस्ट ना करते जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और गाइस, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ यार लाइक करना मत भूलना। ओके गाइस, तो सबसे पहले आपको अपना गूगल प्ले स्टोर ओपन कर लेना और यहाँ पे सर्च करना है सिग्नल। सो सिग्नल ऐप, जैसे आप सर्च करोगे आपके सामने ये वाला ऐप आ जाएगा, सिग्नल प्राइवेट मैसेंजर। आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। ओके गाइस, तो इंस्टॉल करने के बाद आपको इसे ओपन करना है। सो यहाँ पर हम कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद ये डाटा के एक्सेस मांगेगा, आपको सारी चीज़ें अलाउ कर देनी है। अलाउ करने के बाद आपसे यहाँ पर आपकी कंट्री कोड पूछा जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग इंडिया से हैं तो ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर रहा है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डाल के नेक्स्ट कर देना है। सो यहाँ पर हमारे नंबर पर एक OTP आएगा, उसको हम यहाँ पर फिल कर देंगे। सो ऑटोमेटिक OTP हमारे यहाँ फिल हो चुका है, अब इसमें लॉगिन हो जाएंगे। सो गाइस, मैंने इस ऐप का पहले भी यूज़ किया है इसलिए यहाँ पर ये हमसे पिन एंटर करने के लिए बोल रहा है। जब आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करोगे तो ये आपसे पिन क्रिएट करने को बोलेगा, तो मैं अपनी पिन यहाँ पे डाल देता हूँ, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद गाइस, आपको यहाँ पे अपना नेम फिल कर देना है। इस आइकन पे क्लिक करके आपको अपनी फ़ोटो यहाँ पर लगा लेनी है, प्रोफाइल पिक्चर। तो हम यहाँ पे चूज़ फ्रॉम गैलरी कर लेते हैं और अपनी मैं कोई पिक्चर यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। ओके गाइस, तो ये है इस एप्लीकेशन का एक सिंपल सा इंटरफेस। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपको किसी को मैसेज करना है तो आप कैसे कर सकते हो। सो गाइस, आपको इस एडिट वाले बटन पे क्लिक करना है, फिर आपके सामने वो लिस्ट आ जाएगी जितने भी आपके कॉन्टैक्ट के लोग सिग्नल ऐप का यूज़ करते होंगे, उन सभी के नाम आ जाएंगे। तो यहाँ पर मेरा ऊपर फ्रेंड है तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। सो गाइस, अब आप देख सकते हो ये हमारी चैटिंग का इंटरफेस। अब हम यहाँ पर किसी को भी मैसेज भेज सकते हैं। उसके साथ ही गाइस, यहाँ पर ब्लू टिक वाला सिस्टम नहीं है। अभी जैसे मैंने ये मैसेज भेजा तो एक सिंगल टिक लगा है, और गाइस जब ये मैसेज उस साइड से सीन हो जाएगा तो इस पे डबल टिक लग जाएंगे इसी के ऊपर। इसके अलावा गाइस, आप अपने फ्रेंड्स को यहाँ पर इनवाइट भी कर सकते हो, उनको इस लिंक को भेज कर, ताकि वो लोग भी इसको इंस्टॉल कर लें। इसके बाद गाइस, जब आप इस प्रोफाइल वाले आइकन पर क्लिक करोगे तो आप देखोगे आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं, SMS एंड MMS, मतलब आपके फ़ोन के जो सिंपल मैसेज सर्विस है उसको आप यहाँ पर डिफ़ॉल्ट में सेट कर सकते हो। इसके अलावा प्राइवेसी में आपको कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं, आप अपने एप्लीकेशन को लॉक कर सकते हो फिंगरप्रिंट के थ्रू या फिर पैटर्न के थ्रू। सो गाइस, इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस हैं, रीड रिसिप्ट का, ब्लू टिक या इन सबको आप हाइड कर सकते हो। टाइपिंग इंडिकेटर्स, अगर आप इसे डिसेबल कर दे तो सामने वाला बंदा टाइप कर रहा है फिर भी किसी को पता नहीं चलेगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको अपेयरेंस का फीचर मिलता है जिसके थ्रू आप इस ऐप की थीम को चेंज कर सकते हो। आप इसमें डार्क थीम या लाइट थीम को लगा सकते हो, तो मैं अभी यहाँ पे डार्क सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि डार्क थीम काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। इसके अलावा गाइस, चैटिंग के दौरान आप इमोजीज को भेज सकते हो, यहाँ पर आपको स्टिकर्स भी मिलते हैं। इसके अलावा गाइस, आप इसमें मैसेजेस को डिलीट फॉर एवरीवन भी कर सकते हो, जैसे व्हाट्सएप में होता है डिलीट फॉर मी, कैंसिल या डिलीट फॉर एवरीवन। गाइस, व्हाट्सएप के सिमिलर आपको इसमें ऑलमोस्ट सारे फीचर मिलते हैं। और गाइस, ये एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, बहुत ही सॉफ्ट तरीके से चलता है, बहुत ही स्मूथ प्रोसेस करता है। तो आप इसको एक बार ट्राई ज़रूर करिए अगर आप व्हाट्सएप को रिप्लेस करना चाहते हो। गाइस, इस ऐप में और भी बहुत सारे फीचर्स आएंगे क्योंकि ये ऐप धीरे धीरे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। सो इसको आप इंस्टॉल करके ज़रूर ट्राई करिए। सो उम्मीद करता हूँ गाइज, अब आप समझ गए होंगे कि सिग्नल ऐप का आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं व्हाट्सएप की जगह पे। और गाइज, मुझे इसका इंटरफेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, खासकर इसकी जो वीडियो कॉलिंग की क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर है व्हाट्सएप के कंपैरिजन में। सो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो यार लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी और वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।